नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तत्काल टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज होगा या नहीं, हम लोग कैसे जानेंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग हैं वो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं तत्काल टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज होगा या नहीं, उसका क्या कुछ है नियम कानून है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। डिसलाइक वीडियो को करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, और जो लोग डिसलाइक करने का मकसद से आए हैं वो डिसलाइक करके चले जाएं, और जो लोग सीखने का मकसद से आए हैं वो लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। कोई सवाल चाहो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और चैनल पर पहले बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएंगे ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे, वो भी सबसे पहले। तो देखिए, मैं अपना अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ IRCTC को, और मैं अपना माई बुकिंग में जा रहा हूँ, और ये मैं देख रहा हूँ कि 13 तारीख को मैं तत्काल टिकट बुकिंग किया हूँ, ये 15 का जर्नी डेट है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरा टिकट को देख कर कि आपने 13 को बुकिंग किया है और 15 का जर्नी का डेट है, तो आपने 2 दिन पहले कैसे टिकट बुकिंग कर लिया। तो आपको मैंने पीछे भी वीडियो में कई बार वीडियो में बताया है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ट्रेन का बुकिंग 2 दिन पहले भी होता है, लेकिन बहुत कम ट्रेन इस तरह से होते हैं। ज़्यादातर ट्रेनों का बुकिंग 1 दिन पहले होता है तत्काल टिकट। ये ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, पूरी से नई दिल्ली तक जाती है, नई दिल्ली से पूरी तक, ये आने जाने अप डाउन दोनों में इसका तत्काल का बुकिंग 2 दिन पहले बुकिंग होता है, इसलिए इसका बुकिंग मैंने कल किया है, और ये परसों का जर्नी का डेट है। देख रहे होंगे 15 का है ये 16 का 15 तारीख को ये जर्नी का डेट हो रहा है, 16 को ये पहुँचा रही है, और मैंने 13 को ही इसे बुकिंग कर लिया था, यानी कि 2 दिन पहले मैं बुकिंग कर चुका इसे। तो कुछ ट्रेन 2 दिन पहले बुकिंग लेता है, चीज़ आप मन में रखेंगे, और कुछ ट्रेन 1 दिन पहले बुकिंग होता है, ज़्यादातर ट्रेन 1 दिन पहले ही बुकिंग तत्काल करता है। तो चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को इस तरह के सवाल है कि तत्काल टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज होता है कि नहीं होता है, इस तरह के बहुत लोग सवाल किए हैं। तो देखिए, तत्काल टिकट का बोर्डिंग पॉइंट चेंज होता है, लेकिन सभी लोगों को टिकट का शायद नहीं होगा, क्योंकि कुछ लंबा जो ट्रेनों का रूट होता है उस सब कई तरह के रीज़न होते हैं जिसका देखें। पहले नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस टिकट का जो बोर्डिंग पॉइंट है वो चेंज करने का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, चेंज हो जाएगा। देखेंगे कि ऊपर में टिकट पर मैं माई बुकिंग में जाकर के टिकट पर क्लिक किया हूँ, और ऊपर में देखेंगे 3 डॉट्स का ऑप्शन आता है, 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा बहुत कुछ नियम कानून है उसको आपको समझना ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और ऊपर में 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगा, 4 तरह का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है, करंट स्टेटस, कैंसिल टिकट, चेंज बोर्डिंग पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे कि बोर्डिंग पॉइंट मुझे चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि कन्फर्मेशन मैसेज मुझे मिल रहा है, इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, और यस पर मैं क्लिक करके आगे बोर्डिंग पॉइंट में जा करके चेंज कर लूँगा। तो फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है, तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ बोर्डिंग पॉइंट का। अब ये टिकट भी आपको दिखाना चाहूँगा कि तत्काल टिकट ही है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप तत्काल टिकट है, इसका बोर्डिंग पॉइंट चेंज हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में वो क्या लिखा था, फिलहाल फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे चेंज बोर्डिंग पॉइंट पे, इसका मतलब ये नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन आपको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ये लिख रहा है आपको, मुझे लिख रहा है ये कि ये 24 घंटे आप जो बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं वो ट्रेन का खुलने का मतलब टाइम से 24 घंटा के अंदर में आप ट्रेन को ये बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं। अगर किसी कारण से आप टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको 1 भी रुपये नहीं मिलेगा। और इसमें और भी चीज़ लिखा हुआ था कि इंग्लिश में, कि आप मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेन आपका 24 घंटा के अंदर में आप ट्रेन खुलने के 24 घंटे के अंदर आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, आपका टिकट जो है वो कैंसिल करेंगे तो 1 भी रुपये पैसा नहीं मिलेगा, कैंसिल टिकट नहीं होगा। और अगर 3 घंटा से ज़्यादा ट्रेन लेट पहुँचती है आपके स्टेशन पर, और ट्रेन कोच में आपका कोई परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, और या ट्रेन कैंसिल हो जाती है, और मतलब कि या कुछ कभी कभी ट्रेन को रूट को डाइवर्ट किया जाता है और आपका रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, उस कंडीशन में ही आपको पैसा ट्रेन का किराया जो है वो मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको एक बार कन्फर्मेशन में मैसेज में आपको समझाता है। तो ये टिकट को देखेंगे कि आप मेरा बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, हालांकि तत्काल टिकट ही है, और बहुत लोगों को नहीं भी मिल सकता है, बहुत लोगों को मिल सकता है। तो इसका रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को नहीं मिलेगा और कुछ लोगों को मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे स्टेशन पे बहुत पहले ही चार्ट बन जाता है, और बहुत स्टेशन पे थोड़ा 4 घंटा पहले चार्ट बनता है, कुछ मिनट पहले, और बहुत स्टेशन पे कुछ समय पहले ही चार्ट बन जाता है, कुछ 5-7 घंटे पहले भी चार्ट बन जाता है। तो मान लीजिए कि चार्ट बन जाने के बाद आपका बोर्डिंग पॉइंट चार्ट में भी बोर्डिंग पॉइंट रहता है आपका, कि कहाँ से आपको बैठना है, सारा कोई डिटेल रहता है। तो चार्ट बन जाने के बाद बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है, चीज़ आप याद में रखेंगे।
और वो लंबा रूट जहाँ रहता है वो जो ट्रेन का उसका बोर्डिंग प्लान ज़्यादा चेंज होने का चांस आपको रहेगा। तो एक बार आप खुद इसलिए सर्टिफाइड होकर के, मैं बता नहीं सकता हूँ इस चीज़ को, तो रीजन काफ़ी सारे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोर्डिंग प्लान चेंज करने का ऑप्शन ज़्यादातर लोगों को मिल जाएगा तत्काल टिकट का करेंगे तो तत्काल टिकट में भी बोर्डिंग प्लान चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं तत्काल टिकट को कैंसिल करूँगा तब कितना पैसा मिलेगा। तत्काल टिकट को कैंसिल करेंगे तो 0 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1 भी रुपये नहीं। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी सवाल सो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा ताकि हम आपको जवाब दे सकें, आपको हेल्प कर सकें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए यह तब का दिन शुभ हो।